how to make a moving map like this. Hi guys, welcome to my channel TechCart. My name is Rakesh and guys, आज हम discuss करने वाले हैं कि एक simple से Google Map पे हम animation कैसे create कर सकते हैं. क्योंकि गाइस हम बहुत सी वीडियो बनाते हैं जहाँ पे कि हमें मैप के एलिमेंट को ऐड करना पड़ता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, बट एक सिंपल मैप को वीडियो में रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है. तो उसी मैप में अगर हम थोड़ा सा एनिमेशन ऐड कर दें तो फिर वीडियो में मज़ा आ जाता है. तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि हम सिंपल से एक मैप की पिक्चर में एनिमेशन कैसे क्रिएट करके उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. और इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि फिल्मोरा एक बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है. तो सोचा मैंने कि मैं फिल्मोरा से ही आपको ट्राई करता हूँ ये कन्वे करने का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर जहाँ पे कि हम ये सारी चीज़ें ट्राई करूँगा मैं आपको सिखाने का. तो ये है फिल्मोरा 9 की जो मेन स्क्रीन है, बट उससे पहले हमें चाहिए होगा मेन एलिमेंट, यानी कि हमें मैप की पिक्चर चाहिए होगी जो कि हम निकाल सकते हैं गूगल से. बट आप मैप कहीं से भी ले सकते हैं, मतलब गूगल हो या फिर कोई और सोर्स हो, और जितना हाई डेफिनेशन मैप हो उतना बेटर है. क्योंकि मैं ये मैप गूगल से ले रहा हूँ. सिंपल एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट को सेव कर लिया और उसको मैंने ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे. ठीक है, और यहाँ पे हमें बेसिकली दो मैप की रिक्वायरमेंट होगी. पहला मैप हमें बिल्कुल एज इट इज़ चाहिए, यानी कि ब्लैंक चाहिए. इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे. जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है सेम स्क्रीनशॉट को बस हमें अपने पास सेव कर लेना है. ठीक है, कोई भी नाम देके हम इसको सेव कर लेते हैं. मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है. फिर हम सेकंड मैप बनाएंगे जिसमें कि हम डिस्क्राइब करेंगे चीज़ों को. जैसे कि पहले हम कलर चूज़ कर लेते हैं. इसमें हम बनाएंगे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट, जिसके लिए कि हमने एक सर्कल वाला एलिमेंट लिया. और बेसिक चेंजेस करने के बाद हम सूडान से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा सूडान. फिर हम लाइन वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम अपना रूट डिसाइड करेंगे. तो हम यूएई पे पहला स्टॉप लेते हैं, सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ. फिर हम जाते हैं यूएई से मुंबई, यानी कि हमारी फ़्लाइट जो है मुंबई पहुँची. मुंबई से फिर हमारा लास्ट स्टॉप है हमारी कैपिटल, यानी कि न्यू दिल्ली. तो ये एक मैंने रेंडम एक रूट बना दिया मैप पे. आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैप ले रहे हैं, उसमें आपका क्या रूट है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं. तो ये रूट वाला मैप भी हमने सेव कर लिया. और फिर हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट होता है फिल्मोरा पे. तो फिल्मोरा पे हम गए और वहाँ से हमने इन दोनों ही मैप को जो हमने अभी बनाए हैं उनको अपलोड कर लिया फिल्मोरा के स्क्रीन पे. और यहाँ से हमारी एडिटिंग स्टार्ट होगी. तो दोनों मैप हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं फिल्मोरा पे. हम इसको प्ले करके देख सकते हैं कि एक ब्लैंक है और दूसरा लाइन वाला है. तो हमने जो ब्लैंक मैप है उसको पुट किया इसकी टाइम लाइन पे. और हमने पहले इसमें हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें इसकी लेंथ कितनी चाहिए. तो 20 to 22 सेकेंड के आसपास हम रखते हैं. आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. और जो हमने सेकेंड मैप लिया, आप ध्यान से देखिएगा कि जो सेकेंड मैप हमने लिया उसकी भी हमने जो लेंथ है पहले वाले मैप के बिल्कुल बराबर की. और उसके बाद हम उस मैप को बिल्कुल इसके सामने लिया है. ऊपर हमने सिर्फ इसलिए रखा था ताकि दोनों की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम हम कर सकें. और उसके बाद हम यहाँ पे लिया है. अब हम इसमें ऐड करेंगे एक ट्रांजिशन. ट्रांजिशन के लिए आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि इरेज जो स्लाइड है उसको आप सर्च करेंगे तो दो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे. एक सिंपल इरेज आएगा और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आएगा इरेज स्लाइड. तो इरेज स्लाइड हमें चूज़ करना है. आप इसको ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल इन दोनों ही पिक्चर्स के बीच में इसको हमें पुट करना है. उसके बाद हम इसको दोनों के एजिस तक स्पेंड कर देंगे. ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको. स्पेंड करने के बाद हम देखेंगे कि अब इसमें थोड़ा सा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा. और उसके बाद ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि कैसा प्रीव्यू आ रहा है. तो एक तरह से ये मूविंग मैप बन गया है, बट ये बहुत ही बेसिक है. फिर भी हम इसको फ़िलहाल एक्सपोर्ट कर लेते हैं. एक हमारे पास वीडियो आ जाएगी मूविंग मैप्स की. तो उसके बाद जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, देखो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया, ऐसे ये प्रोसेसिंग चलेगी. ठीक है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ. एक्सपोर्ट होने के बाद हम उस फाइल को वापस से फिल्मोरा पे अपलोड कर लेंगे इस तरह से.
अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जो पहले हमारी टाइमलाइन पे ये दोनों इमेजेस हैं वो किनका काम हो गया है तो हम इनको रिमूव कर देते हैं और हमारी जो ये एनिमेशन की वीडियो कंप्लीट हो गई है उसको हम टाइमलाइन पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अब क्योंकि अभी भी ये वीडियो काफ़ी लेंथी है और इसमें एनिमेशन एक छोटे से पोर्शन पे है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है। और स्टार्टिंग पॉइंट से पहले वाला जो पोर्शन है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये है उसका, हाँ ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एनिमेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाकी वाले हिस्से को जो स्टार्टिंग में क्योंकि ब्लैंक है तो उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। स्टार्टिंग आप देखिए वीडियो प्ले होते ही स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया एनिमेशन का। इसी तरह से हम एंड पॉइंट भी देखेंगे इसका, ताकि एंड पॉइंट को भी हम यानी कि एंड पॉइंट के बाद का जो पूरा का पूरा पोर्शन है उसको हम रिमूव कर सकें क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है ये। हाँ ठीक है, इसको हमने रिमूव कर लिया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ टाइमलाइन को। अब हमारे पास जो पूरी ये छोटी सी वीडियो है ये पूरे के पूरे प्योर एनिमेशन है, इसमें कहीं भी ब्लैंक नहीं है, पूरा एनिमेशन चल रहा है, ठीक है, जैसे कि आप प्रीव्यू में देख रहे हैं। तो ये हमारे पास एक वीडियो बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्रॉप एंड जूम में मैं गया और क्रॉप वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया ताकि जो अननेसेसरी इसमें इमेज में चीज़ें हैं वो उनको मैं रिमूव कर सकूँ। और क्योंकि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो स्टार्टिंग पॉइंट पर होना चाहिए जो कि है सूडान, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर हमने फोकस कर लिया, जूम कर लिया और अब इसको एडजस्ट करके हम ओके करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी जो वीडियो स्टार्ट होगी वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर पोर्शन पे फोकस करे जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा डिसाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी का एनिमेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो पोर्शन है उसको स्प्लिट किया और बाकी दूसरे पोर्शन पर हम दोबारा से क्रॉप एंड जूम में गए। इस बार हमने पैन एंड जूम पर क्लिक किया। पैन एंड जूम से अब हमारा जो ये जूम है या फिर जो हमारा एनिमेशन है वो मूव करेगा। तो पहले हम ये फॉरवर्ड वाले को वापस इस फ्रेम में लेके आते हैं ताकि दोनों फ्रेम को हम सेम साइज का कर सकें और फिर हम देखेंगे कि हमारा मूवमेंट, हमारा जो एनिमेशन मूव करे वो किस डायरेक्शन में मूव करे। तो हमने जिस मैप में हमारा जो रूट बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चूज़ कर लिया, ठीक है। ओके करने के बाद अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से ये हमें दिखता है। ये देखिए अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने कुछ एनिमेशन क्रिएट कर दिया है और ये चीज़ें मूव हो रही हैं, बट अभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, थोड़े से इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे। तो वापस से बैक करते हैं इसको और हम देखते हैं कि हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो कहाँ पे मीट हो रहा है। तो डेस्टिनेशन पॉइंट को स्प्लिट करके हम क्रॉप एंड जूम में जाएंगे और इस बार हम पैन एंड जूम में जा करके सिंपल फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। ये जो ऑप्शन है रिवाइज वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे और दोनों ही एलिमेंट्स को आपस में मर्ज कर देंगे और हम जो पूरा फोकस है वो हम लेके जाएंगे दिल्ली पे, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है एंड पॉइंट है वो दिल्ली है। तो इस तरह से क्या होगा कि एंड में जो जूम है वो पूरा का पूरा दिल्ली पे जाएगा। इस तरह से देखते हैं इसको कि कैसा लगता है। ये देखिए एंड होने के बाद जूम हुआ पूरा का पूरा दिल्ली पे और इसी तरह से हम जो है स्टार्टिंग वाला पॉइंट भी क्रिएट कर लेते हैं। क्रॉप एंड जूम, पैन एंड जूम, उसके बाद उसको हमने रिवाइज करना है और उसके बाद मर्ज करके उसको मर्ज करके हम पूरा फोकस ले आएंगे सूडान पे और ओके कर देते हैं। तो अब ये फाइनली हमारा प्रॉपर एनिमेशन क्रिएट हुआ है। लेट्स प्ले। सूडान से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, पहला हमारा स्टॉप आया यूएई में, वहाँ से हमारी फ्लाइट मुंबई और फिर देन डेस्टिनेशन पॉइंट न्यू दिल्ली हम पहुँच गए और जूम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो मैप का जो एलिमेंट है या फिर एनिमेशन है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब हम इसमें चाहें तो एक और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक एरोप्लेन की वीडियो डाउनलोड करी थी पिक्साबे से, जो कि फ्री में मिल जाती है, उसको मैं इसके बैकग्राउंड में प्ले करता हूँ ताकि जो हमारा ये मूविंग मैप है वो थोड़ा सा और इफ़ेक्टिव लगे। तो वीडियो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बस कॉपीराइट से बचिएगा। इसके म्यूज़िक को म्यूट कर दिया है मैंने और मैं देखता हूँ कि इस वीडियो में जो एरोप्लेन का एंट्री है या फिर जहाँ पे वो ज़्यादा बेटर लग रहा है सिर्फ उसी पोर्शन को मैं चूज़ करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी है और हमारा एनिमेशन थोड़ा छोटा है तो हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसके बराबर मैं बना लेता हूँ
और अभी ऑलमोस्ट तैयार है, बट क्योंकि अभी ये हमारे मैप के ऊपर आ गई है तो हमें इसको बैकग्राउंड में डालना पड़ेगा। वीडियो के ऑप्शन में जा करके हम इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा और इसको कम करते हैं। अब ये बेटर लग रहा है। और इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग और एंड में हम ऐड कर देते हैं सम ट्रांजिशन। तो इसके लिए एक नया ट्रांजिशन है जो सबसे टॉप पे ही आता है, डिसॉल्व वाला। ये मुझे बेटर लगा, और भी मैंने देखे थे बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। तो आप बाकी भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो स्टार्टिंग में और एक एंड में इसको लगा देते हैं, और फाइनली अब इसको देखते हैं प्ले करके। ये देखिए, तो अब एक ये प्रॉपर स्टोरी टेलिंग वाली आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी ट्रैवल वीडियो आप बना रहे हैं कि आप एक मैप के थ्रू अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है, तो वो ये आप दिखा सकते हैं।